हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो यार, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक बहुत ही लेजेंडरी बाइक से। अब लेजेंडरी बाइक आई है तो मेरे हिसाब से तो एक ही बाइक है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, दिस इज़ अ लेजेंड। तो यार, आज है हमारे साथ रॉयल इनफील्ड की तरफ से, क्या मतलब उस टाइम तो देखो सिर्फ एक ही नाम से जानते थे इसको, बुलेट। रॉयल इनफील्ड कोई नहीं जानता था, सिर्फ बुलेट नाम से जानते थे। और दिखाई देता हूँ यार सीधा, उसके बाद बाकी बात। Here's the bike guys, ये तुम विश्वास नहीं मानोगे बट ये लिटरली आज से पूरे 50 साल पुरानी गाड़ी है। दिस इज 1971 मॉडल। बाकी ये जो बाइक है यार, ये है अपने भाई रिदम की, इसीलिए हमको इतने आराम से शूट के लिए मिल चुकी है कि मैं इसको लेके आ गया। बाकी यार, इस गाड़ी के तो क्या ही कहने, मैं इसके बारे जितनी तारीफ कर लूँ ना उतनी कम है। बाकी तुम अगर इस गाड़ी को देख रहे हो ना ध्यान से, ये जो इसका कलर तुम्हें निकला हुआ दिख रहा है, 50 साल से इसके ऊपर कोई पेंट नहीं हुआ है, कोई रिपेंट नहीं हुई है। जो उस टाइम कलर से निकली थी, ये शोरूम से निकली होगी शोरूम से उस टाइम पे, सेम वही कलर इसके ऊपर अभी हो रखा है। बाकी यहाँ पे ईगल्स का साइन रहता है कुछ, वो निकला हुआ है। और बाकी ये ब्रेक्स वगैरह तो देखो ऑब्वियस है, इतने टाइम में चेंज कराने ही पड़ते हैं। ये हैंडल भी इसका चेंज है। और जो ये इसका की का यहाँ पे है ना, ये पहले नीचे आता था बट कुछ मैकेनिकल चेंजेस की वजह से इसको ऊपर रखना पड़ा। बाकी यार, इस बाइक के बारे में मुझे कुछ बहुत खास नॉलेज तो नहीं है बट हाँ, इसका जो इंजन है ये 350cc का CI इंजन है, जो अब जैसे आता है ना BS6 BS4 वगैरह, उसी तरीके से ये CI इंजन है। बाकी एक बार अगर मैं आपको पीछे से लुक्स दिखाऊंगा गाड़ी के, तो ऐसे कुछ लुक्स हैं। बाकी यार, नंबर प्लेट मेरे को छुपानी पड़ी है क्योंकि ये मेरी गाड़ी नहीं है, इसलिए मेरे को छुपानी पड़ी है, उसका भी कुछ रीज़न है। बाकी इसकी जो ये टेल वगैरह है ना, ये चेंज हो रखी है, और ये वही जो ओरिजिनल उस टाइम पर आता था वही है ये। और ये जो इसमें एग्जॉस्ट है, ये भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ये भी उस टाइम से अभी तक यही एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और टायर्स वगैरह सब कुछ। और सबसे खास बात जो इस गाड़ी की बताओ यार, ये गाड़ी ना लगभग 4 साल से बंद पड़ी थी, उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट वगैरह कुछ नहीं करी थी 4 साल से, बिल्कुल जैसे बोलते ना पीस ऑफ क्रैप वो था ये। उसके बाद जब इतने टाइम बाद उन्होंने इसको स्टार्ट करने की कोशिश करी तो लिटरली इसमें सिर्फ एक स्पार्क प्लग डाला, एक नई बैटरी डाली और बस पेट्रोल डाला, और ये लगा लो 5 से 10 किक में गाड़ी स्टार्ट हो गई 4 साल खड़ी होने के बाद भी। इसीलिए यार ऐसे ही नहीं कहते इसको लेजेंडरी बाइक, मतलब सोच सकते हो 4 साल खड़े होने के बाद कोई गाड़ी, उसमें बस पेट्रोल वगैरह डाला, बैटरी डाली और गाड़ी स्टार्ट, मतलब लिटरली यार सैल्यूट है रॉयल इनफील्ड को। और यार, अगर मैं आप लोगों को इसके गियर्स दिखाऊँ तो उल्टी साइड पे इसके गियर्स, ये इसकी किक है, इससे न्यूट्रल होती है गाड़ी इससे, और ये इसके गियर्स हैं राइट पैर पे, और इधर की साइड ब्रेक है। अब यार एक काम करते हैं, सबसे पहले सुनाया तो मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट, बहुत ही प्यारा और रिफाइंड एग्जॉस्ट नोट आता है, रिफाइंड तो क्या बस प्यारा आता है, गलत बोल रहा हूँ मैं, रिफाइंड मतलब इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना, आप लोगों को फील होगी, मतलब वो डुक 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 जो जिस चीज़ के लिए बुलेट जानी जाती है ना, वो प्योर एग्जॉस्ट नोट आपको इसमें सुनने को मिलेगा। कोई साउंड चुपती भी नहीं है इसकी, लाउड भी है, मतलब अलग ही है, बस सुनाता मैं आपको फटाफट। तो यार, अब इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। बाकी पहले एक बार प्रेशर बनाना पड़ेगा और ये लगा लेना। तो भाई प्यारी सी किक में गाड़ी स्टार्ट। तो ऐसा कुछ था यार इसका एग्जॉस्ट नोट। बाकी यार, गाड़ी के लुक्स मतलब इतने प्यारे लुक्स हैं ना, और हो सकता है अभी हम लोग इस गाड़ी को रिस्टोर भी कराएंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताना जाके कि हमको इसको रिस्टोर कराना चाहिए या फिर नहीं। बाकी अगर इसको रिस्टोर कराया तो उसकी भी प्रॉपर एक बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि कैसा कुछ हमारा खर्चा आया एंड ऑल सब कुछ। तो यार, एग्जॉस्ट नोट तो मैं आप लोगों को इसका सुना ही चुका हूँ। बाकी एक काम करते हैं, अब कैमरा देते हैं हम मयंक के हाथ में और दे देते हैं आप लोगों को 2-3 इसके फ्लाई बाय, उसमें आपको प्रॉपर आवाज़ पता चल पाएगी, जो डुक डुक वाली आवाज़ आती है ना वो। तो यार, अब जरा गाड़ी चला के भी देख लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं कैसा कुछ हिसाब है इस गाड़ी का। बाकी किक मारते हैं, पहले प्रेशर बनाया, एक किक दो किक और स्टार्ट गाड़ी। चलो भाई,
इस गाड़ी का ना चलाने का मज़ा ही अलग है। सारी गाड़ी एक तरफ और बुलेट एक तरफ, भाई बुलेट का मज़ा ना कोई नहीं ले जा सकता यार कसम से। जो इस गाड़ी को चलाने की एक फील आती है ना, और खासकर ये जो पर्टिकुलर ये वाला मॉडल है ना, जो जिसमें उल्टे गियर आते थे, लिटरली इसकी तो जो आवाज़ आती है ना यार, टुक टुक टुक, ये देखो। पता नहीं मेरे को कि कैमरे में उतनी कैप्चर हो पा रही होगी या नहीं, बट यार एक्चुअल में अगर आप सुनो ना तो बहुत ही सूदिंग और बहुत ही प्यारी साउंड आती है ये वाली बाइक की। कुछ खींचने में मज़ा नहीं आता, बस आराम से चौथा गियर डालो और आराम से हल्के हल्के डुक 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 चलते रहो, अलग ही लेवल का मज़ा आता है। जा भाई जा। लेगेसी चलती आ रही है ना बुलेट की, मतलब 100 साल पुरानी कंपनी आई गेस, कब हुआ था ये एस्टेब्लिश, 1901 में हुआ था आई गेस, तो 100 साल से भी ज़्यादा करीब 100-120 साल पुरानी कंपनी है। तो मतलब इतनी पुरानी कंपनी की गाड़ियाँ, मतलब आज भी उनकी वो लेगेसी मेंटेन है कि यार सारी गाड़ी एक तरफ और बुलेट एक तरफ। हालांकि जो अब बिल्कुल नए मॉडल्स आ गए हैं उनमें तो मैं बोलता हूँ यार मुझे खुद को नहीं पसंद जो नई वाली बुलेट है उतनी, जो मेरी वाली है फिर भी मैं उसमें कहूँगा हाँ तब तक थोड़ी बात थी बुलेट वाली, बट उसके बाद जो अब आनी स्टार्ट हुए ना खासकर BS6 मॉडल्स, तो यार मतलब इन गाड़ियों के हिसाब से ना वो गाड़ियाँ कहीं स्टैंड नहीं करती है। वो एक बाइक के हिसाब से देखा जाए ना कि यार एक बाइक तो वो बहुत अच्छी है, बट अगर हम इसको याद करें ना उसकी जगह कि जो वो गाड़ी है वो इसका रिप्लेसमेंट है, तो यार पता है वो गाड़ियाँ कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। इस गाड़ी का जो फील है ना अलग ही भाई, इसमें खींचने वाली पावर है, जैसे होता है ना एक होता है कि इनिशियल पिकअप वगैरह वाली पावर, एक होता है कि अच्छा खासा वेट बिठा लो और उसके बाद गाड़ी को खींचो, मतलब लिटरली। और इस गाड़ी की खूबी है जितनी ये ज़्यादा गर्म होगी उतना अच्छे से चलेगी, ये एक ये इसमें होता है। और एक चेतक स्कूटर आता है, तुम में से काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी क्या मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जो चेतक स्कूटर आता है उसका भी सेम सीन है, वो जितना गर्म होगा उतना ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा और उतना ही अच्छा चलेगा स्कूटर। सेम चीज़ इस बाइक के साथ है, जितनी गर्म होगी उतनी अच्छी चलेगी। बाकी अंधेरा देखो यार, अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। बाकी यार आज की वीडियो में बस इतना ही, बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो यार कमेंट और एक लाइक तो बनता है, तुम लोग कमेंट नहीं करते यार ये बहुत गलत बात है। देखो इतनी मेहनत करके तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, कम से कम एक कमेंट तो बनता है। बाकी मुझे पता है तुम लोग चैनल पर अभी नए हो गए तो सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही दोगे ना, तो यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो बताना यार जाके कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। Damn.